बेटी जिसे घर की रहमत करार दिया जाता है। मौजूदा दौर में बेटी के जवान होने पर गरीब वालिदैन को उसकी रुख्सती के लिए जहेज समेत दीगर बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ हमारे माशरे में ऐसी बच्चियां भी हैं जिनके सर पे वालिदैन का साया मौजूद नहीं। ऐसी बच्चियां जहेज ना होने के बाद या तो घरों में बैठी बूढ़ी हो जाती हैं या खुदकशी करने पर मजबूर हो जाती हैं। ये नेकी के काम को फैलाने की जानिब एक बहुत ही आला दर्जे का कदम है और शानम ट्रस्ट वाले जिस बेहतरीन अंदाज में ये इंतज़ाम करते हैं और इज्तमाई शादियों का जो तसव्वुर है और इसमें दुल्हा दुल्हन और उनके पूरे ख़ानदान के लिए जो बेहतरीन मुसर्रत और खुशी का मौका आता है। वाली इज्तमाई शादी की तकरीब से खिताब करते हुए सलीम अख्तर खान का कहना था कि उनकी तंजीम अवामी समाजी भलाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और अब तक 100 से ज्यादा गरीब और मुस्तहक बच्चियों की शादियां करा चुकी है। तकरीब से खिताब करते हुए दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि शाहनम ट्रस्ट जिस नेकी के काम सर अंजाम दे रही है वो काबिल तारीफ अमल है। उन्होंने कहा कि गरीब और यतीम बच्चियों को रुख्सत करना खुश नसीब लोगों के हिस्से में आता है। इस मौका पर नई नवेली दुल्हनों का कहना था, इस शादी से बहुत खुश हूँ, मेरे वालदैन हैं लेकिन गरीब हैं, वो मेरी इस तरह से शादी नहीं कर सकते थे, इस तंजीम ने मेरी शादी अच्छी तरीके से की है, मैं इसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बड़ा थे अच्छा काम है, बड़ा खूबसूरत थे, बड़े इना दे मेहरबान भी है, गरीब नाल तावन करेंगे। जिंदगी के नए सफर का आगाज करने वाले दोनों ने शाहनम ट्रस्ट और सलीम अख्तर खान की तारीफ कर